मैं आज आपके सामने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट रखना चाहूंगा जिसमें बीजेपी ने अपने 37 लीडर्स की पहचान की है जिन्होंने हेट स्पीच के जरिए रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट किया। उनमें से 27 को हिदायत दी, उन्हें ऑर्डर दिया कि आप रिलीजियस टॉपिक्स पर बात करने से पहले हमसे परमिशन लेंगे, यानी आप रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करने से पहले हमसे परमिशन लेंगे, क्योंकि सारे मामले इनके स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी चल रही है सिर्फ नफरत पे ही चल रही है। अब आप देखें इनकी नींद एकदम से खुल गई। अब देखें कब से अभिषाक शर्मा, रविश कुमार, ध्रुव राठी, दी लाइव टीवी, दी लल्लन टॉप, दी वायर जैसे चैनल्स चिल्ला रहे थे कि आप इन लोगों को लगाम दें, मगर ये तो खामोश थे। इनके तो मजे आ रहे थे, क्योंकि इनके पीछे तो जो इनके अंधभक्त हैं, जो इनके आका फरमा देंगे, ये उसी पर अमल करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए देश में, कुछ भी होता रहे, उनको कोई मतलब नहीं। उनको एजुकेशन से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। देश कहीं भी चला जाए, उनको कोई मतलब नहीं। अब आप देखें बीजेपी ने जब खंगाला ना, तो सितंबर 2014 से लेकर 3 मई 2022 तक इनके 5,200 ऐसे लेक्चर्स पाए गए जिसमें रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट किया गया। आपने सारे लोग इसी तरह के पाल रखे, सारे हेटर्स आपकी टीम में ही है। तो आप देखें वो कौन था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, आपकी पार्टी का कपिल मिश्रा, आपकी पार्टी का, जिसने जाफराबाद में पुलिस वालों के सामने धमकी दी थी, और जामिया में जिसने गोली चलाई थी, आपने उसको अपनी पार्टी में ले लिया। क्या आप इसी तरह के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे? सर देश का तो कुछ सोच लें आप देश को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा, लोगों को जॉब्स दें,